काफी सारे लोगों ने पिछले दिनों पूछा कि टाटा टियागो के एक्ससी वेरिएंट में या टॉप एंड वेरिएंट में हमें क्या क्या मिलेगा, या टाटा टियागो का कौन सा वेरिएंट हम खरीदें और ये खरीदने लायक कार है कि नहीं है। तो इसी को लेकर आज का वीडियो है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे रीजन जिसको सोच समझकर आप टाटा टियागो को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हम जानेंगे टाटा टियागो को खरीदने के 6 रीजन। तो मैं हूं आपका होस्ट सुनील और आप देख रहे हैं इज माई कार सर्च। तो चलिए देखते हैं टाटा टियागो के 6 रीजन्स खरीदने के। तो पहला रीजन एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर के मामले में टाटा टियागो काफी अच्छी है, काफी प्रोपोर्शनेट कार है, काफी अच्छी दिखती है फ्रंट से भी, साइड से भी और बैक से भी। तो आप कार को कहीं से भी देख लीजिए, काफी अच्छी दिखती है, काफी प्रीमियम दिखती है, काफी गुड लुकिंग कार है। तो लुक्स के मामले में, एक्सटीरियर के मामले में इसमें कोई कमी नहीं है, काफी सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो आपको सब कुछ मिल जाता है एक्सटीरियर के मामले में, काफी अच्छी आपकी कार भी दिखती है, काफी अच्छा रोड प्रेजेंस भी है टियागो का इस सेगमेंट की कारों को देखा जाए। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो टाटा टियागो का इंटीरियर्स भी काफी अच्छा है, अच्छा केबिन स्पेस मिलता है, क्वालिटी इंटीरियर्स यूज किए गए हैं, क्वालिटी प्लास्टिक यूज की गई है और ये काफी अच्छा अंदर से भी दिखता है। और इसमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है। इसमें आपको बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिलता है, 242 लीटर का, 242 लीटर का बूट स्पेस, जो ठीक है, काफी प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही प्रैक्टिकल बूट स्पेस बनाया गया है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 170 mm के आसपास आता है। इसमें आपको लेग रूम, नी रूम और शोल्डर रूम भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो कोई कमी नहीं है इंटीरियर्स में भी, काफी अच्छा है, काफी अच्छे प्लास्टिक को भी यूज किया गया है इंटीरियर्स में, काफी क्रोम वगैरह भी यूज किया गया है, तो काफी अच्छी दिखती है कार अंदर से भी। अब जो तीसरा रीजन है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इस मामले में टाटा टियागो का कोई मुकाबला नहीं है, इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम टाटा टियागो में मिलेगी आपको, जो कि आता है हार्मन का कनेक्स नेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम। टॉप एंड वेरिएंट टियागो एक्ससी में आपको मिलेगा 8 स्पीकर वाला, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर्स वाला हार्मन का म्यूजिक सिस्टम, जो बेस्ट इन क्लास है, काफी अच्छा है। इस सेगमेंट की किसी भी कार में आपको ऐसा बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा। और अच्छी साउंड क्वालिटी होने के साथ साथ इसमें आपको मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इसमें आप 10 स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। इसमें आप जियो कार ऐप भी यूज कर सकते हैं, तो काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी काफी हद तक नहीं महसूस होती है टाटा टियागो के इस टॉप एंड वेरिएंट में, एक्सजी में। और जहां तक बात रही अगले फीचर की, वो है हमारा सेफ्टी। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए जब भी हम कार खरीदते हैं, और इस मामले में टाटा टियागो ने भी काफी अच्छा काम किया है। बेस वेरिएंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे वेरिएंट में आपको डुअल एयरबैग मिल जाएंगे, या अगर नहीं है, जैसे टॉप एंड वेरिएंट में आपको डुअल एयरबैग मिलते हैं, अगर डुअल एयरबैग टॉप बाकी के मिड वेरिएंट में नहीं है तो टाटा टियागो आपको ऑप्शन देता है, आप ऑप्शनल सेफ्टी पैकेज को चूज कर सकते हैं जिसमें आपको डुअल एयरबैग और पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। तो आप ऑप्शनल सेफ्टी पैकेज लेके मिड वेरिएंट्स को भी खरीद के काफी सेफ कार बना सकते हैं। तो टाटा टियागो में आपको मिलता है टॉप एंड वेरिएंट में डुअल एयरबैग और पार्किंग सेंसर्स और ABS और EBD तो है ही है। तो काफी अच्छी कार है, सेफ्टी के मामले में भी टाटा टियागो ने काफी अच्छा काम किया है। अब हम बात करते हैं 5वें रीजन की, जो है इंजन। तो टाटा टियागो आता है पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में, और इसका पेट्रोल इंजन जो है वो 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो काफी अच्छा है। और इसका डीजल इंजन जो है 1.05 लीटर का रेवोटॉर्क डीजल इंजन है, जो भी काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूल इकोनॉमी की, फ्यूल इफिशियंसी की। तो टाटा टियागो अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी फ्यूल इफिशियंसी देने वाली कार है, और जहां तक मैंने पता किया है जो लोग टाटा टियागो यूज कर रहे हैं उनसे, उन्होंने मुझे बताया कि ये कार आपको 20 से 21 लीटर का फ्यूल एफिशिएंसी आराम से दे देती है पहले सर्विसिंग के बाद से। तो काफी अच्छी कार है। कुछ लोगों ने बताया कि हिल स्टेशंस पे भी, पहाड़ी इलाकों में भी ये कार आपको 18 से 19 लीटर का माइलेज आसानी से दे देती है। तो फ्यूल इकोनॉमी के मामले में टाटा टियागो का भी कोई मुकाबला नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के मामले में और फ्यूल इकोनॉमी के मामले में तो टाटा टियागो नंबर 1 है, बहुत ही अच्छी कार है। अब हम बात करते हैं इसके
प्राइस के बारे में, जो कि हमारा छठा रीजन होगा। तो प्राइस भी काफी अच्छी रखी गई है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग नहीं रखी है टाटा ने इसकी। तो टाटा टियागो का जो बेस वेरिएंट पेट्रोल है वो शुरू होता है 3.2 लाख से एक शोरूम दिल्ली और जाता है टॉप वेरिएंट के लिए 4,98,000 तक। और इसका AMT पेट्रोल भी आ चुका है जो आपको पड़ेगा 5,39,000 एक शोरूम दिल्ली AMT के लिए पेट्रोल। डीजल में AMT नहीं है टियागो में। और डीजल का जो बेस वेरिएंट है वो आपको पड़ेगा 3,98,000 एक शोरूम दिल्ली से और इसका टॉप एंड वेरिएंट आपको पड़ेगा 5,77,000 का। तो ये तो रही प्राइसिंग की बात, प्राइसिंग के मामले में भी टाटा टियागो का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट भी अगर कंसिडर करें तो वो भी आपको 6.5 के आसपास आ जाएगी, AMT आपको 7-7.5 के आसपास ऑन रोड प्राइस में आ जाएगी। तो प्राइसिंग के मामले में फीचर्स जो भी टाटा टियागो में आपको मिलती है, जो लुक्स मिलता है, जो प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलता है, उसके मामले में प्राइसिंग के हिसाब से भी टाटा टियागो ने काफी अच्छी प्राइसिंग रखी है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है। तो ये तो रहे 6 रीजन जिसके लिए टाटा टियागो आप खरीद सकते हैं। ये सारे 6 रीजन बहुत ही प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रीजन दिए हैं। तो आप टाटा टियागो खरीद सकते हैं अगर आपको आपका बजट इसके अराउंड है तो, और आप टाटा टियागो को काफी एंजॉय करेंगे और काफी अच्छी कार है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको सूट करता है तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये तो रहे मेरे विचार टाटा टियागो के बारे में। अगर आपको कोई और कुछ और जानना हो टाटा टियागो के बारे में, या आप कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं किसी और कार के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।